नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार, कुमार कंसल्टेंट के नॉलेज भरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट की विधि बताने जा रहा हूं जो पूरे भारत में आज के उद्योग में खलबली मचा देगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ना तो अभी किसी भी कंपनी ने बनाया है, ना उसको बनाने पर विचार किया होगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए इस साल हमने आस्किम उद्योग में बड़े ही उतार चढ़ाव झेले हुए हैं, जिनसे निर्यात पाने के लिए हम सभी कंपनी वाले नई नई तकरीबें नई नई तरकीबें तथा शोध में लगे हुए हैं कि इस महामारी से निजात पाकर अपने आइसक्रीम उद्योग को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। तो दोस्तों, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी बहुत रिसर्च की तथा आप के लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट बनाकर लाया हूँ, जिसे मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूँ कि हमें आइसक्रीम को मानव शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह देना होगा, जिससे आने वाले भविष्य में हर मानव जाति के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करे। तथा आइसक्रीम को हम फ्रेश फूड तथा नेचुरल फूड की सहायता से इम्यूनिटी बूस्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रॉबेरी वाइट चोको बार। दोस्तों, आपको ये नाम सुनने में अभी तो अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आपने पहली बार ये नाम सुना होगा। जब इसकी डिमांड भारतीय बाजार में आइसक्रीम उद्योग में खलबली मचा देगी, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है तथा इसको बनाकर हम कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी वाइट चोकोबार में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट हैं पानी 30 किलो, शुगर 10 किलो, 100 ग्राम साइट्रिक एसिड 100 किलो, स्ट्रॉबेरी फ्रूट 5 केजी तथा वाइट चॉकलेट स्लैब 2 केजी, लिक्विड ग्लूकोज 2 केजी। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को एक बड़े मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेते हैं तथा इसका जूस नुमा बना लेते हैं, तथा दूसरी तरफ हम एक बड़े बाउल में 30 किलो पानी रखते हैं तथा उसमें 10 किलो शुगर डाल देते हैं और हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तथा जब शुगर घुल जाए तो इसमें 2 किलो लिक्विड ग्लूकोज डाल देते हैं और बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब पानी पूरी तरह से बॉयल हो जाए तो हम उसकी हीटिंग बंद कर देते हैं तथा इसमें 100 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं तथा उसके घुलने का इंतज़ार करते हैं तथा थोड़ा चला देते हैं। इसके पानी को हमने गर्म इसलिए किया था क्योंकि इस पानी का पाश्चराइजेशन हो जाए तथा शुगर भी पक जाए, क्योंकि कच्ची शुगर हमेशा गले में कप बनाने का काम करती है तथा उसमें उपस्थित जितने भी
बैक्टीरिया तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी मर जाते हैं, इसलिए हमने शुगर को गर्म करके ही सॉल्यूशन बनाया है। अब एक दूसरे बर्तन में हम वाइट चॉकलेट स्लैब को मेल्ट करते हैं तथा उसका एक पेस्ट बना लेते हैं। अब जब पानी, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज तथा साइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो हम इसको कैंडी के मोल्डों में भरकर जमाना शुरू कर देते हैं। जिस हिसाब से आपको बनाना है, 40 ml बनाना है या 60 ml का कैंडी बनाना है, उस हिसाब से हम इसको ब्राइन टैंक या ग्लाइकोल सॉल्यूशन के टैंक में मोल्ड की सहायता से जमाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप इस सॉल्यूशन को जमाने से पहले जो हमने स्ट्रॉबेरी मिक्स ब्लेंडर में जूस तथा क्रश किया था उसको इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तथा अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इस सॉल्यूशन को कैंडी मोल्ड की सहायता से जमा देते हैं तथा इसको अपने अलग अलग साइज के हिसाब से जमाना शुरू कर देते हैं। जब ये कैंडी मोल्ड से बाहर निकलती है तो जो हमने वाइट चॉकलेट पेस्ट का सॉल्यूशन तैयार किया था उसमें डिप कर देते हैं तथा डिप करके बाहर निकाल लेते हैं। वाइट चॉकलेट का सॉल्यूशन अपने प्रोडक्शन के हिसाब से आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन कम लग रहा है तो आप ज़्यादा चॉकलेट स्लैब मेल्ट करके ज़्यादा सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। अब जब स्ट्रॉबेरी कैंडी में वाइट चॉकलेट की कोटिंग हो जाती है तो उसे हम हार्डनर में 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है। जब हार्डनर में हार्ड होने के बाद हमारा कैंडी और वाइट चॉकलेट पेस्ट कैंडी के ऊपर कोटिंग हो जाता है तो हम इसे अब ब्लास्ट रूम में शिफ्ट कर देते हैं तथा इसको पैकिंग के लिए रेडी कर देते हैं। तो दोस्तों हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी वाइट चॉकोबार तैयार। अब हम इसे मार्केट में अपने मार्जिन तथा प्रॉफिट के हिसाब से इसका प्राइस निर्धारित कर लेते हैं तथा मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं तथा इसकी मार्केट से रिपोर्ट भी दिन बाय दिन प्राप्त करते रहते हैं कि मार्केट का फीडबैक क्या आ रहा है। स्ट्रॉबेरी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए तथा विटामिन के पाया जाता है तथा इनके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा डाइटरी फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे अच्छी ये बात है कि इसमें सोडियम, कोलेस्ट्रॉल तथा फैट ना के बराबर रहता है तो स्ट्रॉबेरी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है तथा ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे शरीर को एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रूट को अपने आज के उद्योग के लिए उपयोगी बनाया है तथा आगे भी मैं ऐसे ही नेचुरल फ्रूट के साथ में कई वीडियो बनाता रहूँगा तथा अपने YouTube चैनल की सहायता से लोगों की मदद करता रहूँगा। हम अपने आइसक्रीम उद्योग को नेचुरल फ्रूट के उपयोग की सहायता से ही
आने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं, नहीं तो कोई भी बीमारी आती है तो सबसे पहले आइसक्रीम पर ही गाज सबसे पहले गिरती है। और नेचुरल फ्रूट यूज करके हम आइसक्रीम उद्योग को एक बड़ी ऊंचाइयों तक ले आ सकते हैं तथा मानव जाति को एक अच्छी तरह का प्रोडक्ट देकर उसको शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए कुमार कंसल्टेंट के यूट्यूब के नॉलेज भरे चैनल में। जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तथा जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आने वाले वीडियो उनको सबसे पहले मिलें।